बनाया और न ही मनाने की आज्ञा उन्होंने यीशु मसीह को दिया, उसने अपने चेलों को दिया। और आगे जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया और जब पहली कलीसिया स्थापित हुई, तो उस समय भी जितने यीशु मसीह के चेले थे उन्होंने भी कभी भी क्रिसमस नहीं मनाया, कभी भी यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं मनाया, और न ही इसकी शिक्षा उन्होंने अपने लेटर्स में, अपने चिट्ठियों में कलीसियाओं को दिया। आप संपूर्ण बाइबल जब आप पढ़ेंगे ना, तो बड़ा दिन यानी यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाए इसका कोई रिकॉर्ड बाइबल में नहीं पाया जाता है ना। यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाए या मनाया गया या इसकी शिक्षा दी गई, इसका कोई रिकॉर्ड जो है वो बाइबल में नहीं पाया जाता है। लेकिन फिर भी सारा संसार यीशु मसीह का जन्मदिन क्रिसमस बोलकर क्या करता है, मनाता है। हालेलुया। और आप देखिएगा कि क्रिसमस के पीछे और वो खरबों का व्यापार और बिजनेस जुड़ा हुआ है ना। और बिजनेस के साथ जब ये ना सिस्टम, ये त्योहार और ये सारी बातें जुड़ गई, तो आप समझ सकते हैं कि इसको खत्म करना कितना मुश्किल होगा। और आपको पता होना चाहिए कि पूरे महीना भर 1 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक नए साल तक लोग क्रिसमस की खुमारी में डूबे हुए रहते हैं, उसकी तैयारी करते हैं और सेलिब्रेशन होता है। हालेलुया। तो आज क्रिसमस से जुड़ा हुआ कुछ अन्य रोचक तत्वों को, कई अन्य बातों को हम आपके सामने रखना चाहते हैं और आपको आगे हम बताएंगे कि आखिर हम लोग फिर क्रिसमस मनाते क्यों है। और अगर आप इतिहास पढ़ेंगे या फिर बाइबल ही पढ़ेंगे, तो बाइबल में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि यीशु मसीह का जन्म जो है वह 25 दिसंबर को हुआ। 25 दिसंबर को ही यीशु मसीह पैदा हुआ, इसकी तारीख की पुष्टि बाइबल नहीं करती है। इसी महीना में यीशु मसीह पैदा हुआ, इसकी पुष्टि स्पष्ट रूप से बाइबल नहीं करती है, इसकी तारीख नहीं बताती है। लेकिन एक बात जो सत्य है और कोई इससे इनकार नहीं कर सकता है, यीशु मसीह के जन्म से संबंधित डेट्स को लेके विवाद हो सकता है, यीशु मसीह के जन्म से संबंधित महीना को लेके विवाद हो सकता है, यीशु मसीह के और इसी महीने में और इसी तारीख को इसी दिन पैदा हुआ, इसके पीछे विवाद और डिबेट हो सकता है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई और बहनों कि ये बात विवाद का हो सकता है, इसमें मतभेद हो सकता है, अलग अलग थ्योरी और अलग अलग सिद्धांत बन सकते हैं, लेकिन एक बात जो सत्य है उससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है, उसका कोई इनकार नहीं कर सकता है, और वो बात ये है कि यीशु मसीह दुनिया में आया। हालेलुया। यीशु मसीह दुनिया में आया, इस चीज को लेके कोई इनकार नहीं कर सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह वास्तविक रूप में इंसान बनकर वो इस दुनिया में डेरा किया, इस तरह है। हो सकता है कुछ लोग 25 दिसंबर को यीशु मसीह दुनिया में आया इस बात से वो इनकार कर सकता है, डेट्स को लेके इनकार कर सकता है, सन और ईस्वी को लेके इनकार कर सकता है, लेकिन यीशु मसीह दुनिया में आया इस चीज को लेके कोई कभी भी इनकार नहीं कर सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह इंसान बनकर वास्तविक रूप में इस दुनिया में आया और ये सत्य है मेरे भाइयों बहनों। हालेलुया। और इस सत्य को बाइबल प्रमाणित करती है। हालेलुया। पुराने नियम भी यीशु मसीह के आने के बारे में भविष्यवाणियों से भरे गए और वह सारी भविष्यवाणियों की पूर्ति यीशु मसीह इस दुनिया में आके किया। और जब यीशु मसीह दुनिया में आया तो यीशु मसीह ने इतिहास को 2 हिस्सों में बांट दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ऐतिहासिक पुरुष है, यीशु मसीह कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं है, यीशु मसीह किसी कविता का चरित्र नहीं है, यीशु मसीह किसी महाकाव्य का काल्पनिक पात्र नहीं है, बल्कि 100% इंसान बनकर सचमुच में यीशु मसीह इस भूमि पर, इस जमीन पर, इस मिट्टी पर, इस पृथ्वी पर यीशु मसीह मानव रूप लेकर आया। हालेलुया। और उस यीशु मसीह के अवतार को, उस यीशु मसीह का इस पृथ्वी पे आने की बातों को लेके संसार में कोई इनकार नहीं कर सकता है। इतिहास साक्षी है,
इतिहास गवाह है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने ही इतिहास की गणना को शुरू किया। यीशु मसीह ही इतिहास के बीच में आके खड़ा हो गया और इतिहास की गणना में वो अहम भूमिका निभाया। हम लोग इतिहास की गणना कैसे करते हैं? ईसा पूर्व या ईसा बाद, है ना? यीशु मसीह इतिहास के बीच में है। किसका जन्म यीशु मसीह से पहले हुआ, ये ईसा पूर्व बोल करके हम उसकी काउंटिंग, उसकी गिनती करते हैं। कौन कौन से महापुरुष यीशु मसीह के बाद पैदा हुआ, हम यीशु मसीह के बाद यीशु मसीह का यानी ईसा का यानी ईसा मसीह का नाम लेकर के हम और आप क्या करते हैं, गणना करते हैं इतिहास का। हालेलुया। और यीशु मसीह इतिहास में खड़ा है, यीशु मसीह इतिहास का मील का पत्थर है, उन्हीं से इतिहास की गणना होती है। तो वो व्यक्ति कभी काल्पनिक नहीं हो सकता है। हालेलुया। वो व्यक्ति जो है सचमुच में यीशु मसीह इस दुनिया में मानव रूप धर के आया मेरे भाई और बहनों। हालेलुया। आज से 2021 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुआ। ये कौन सा सन चल रहा है? ये कौन सा सन चल रहा? 2021, यानी कि यीशु मसीह का जन्म की गणना हम और आप कैलेंडर में करते हैं। हालेलुया। अभी 2022 में प्रवेश करेंगे और 2022 ये प्रमाणित करता है कि यीशु मसीह का जन्म आज से 2022 साल पहले हुआ। डेट्स और कैलेंडर जो भी फॉर्मेट हुआ वो यीशु मसीह को ही रख करके हुआ। हालेलुया। आप कह सकते हैं कि यीशु मसीह का जन्म एक में हुआ और वहां से इतिहास कैलेंडर आगे फॉलो करना क्या हुआ, शुरू हुआ। हालेलुया। हम और आप कितने महत्वपूर्ण है ना, कैलेंडर जो है उसको फॉलो करते हैं और उसका उत्पादन किसने किया, यीशु मसीह ने ही किया। हालेलुया। आज से 2000 साल 21 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आए। हालेलुया। तो यीशु मसीह का इस दुनिया में आने की बात को लेकर के जो वास्तविकताएं हैं उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, उसमें कोई मतभेद की बात नहीं है। ये देखिए बंदर कहां से चला है। हैप्पी क्रिसमस। पहली बार आप चर्च में आए, स्वागत है। बैठिए, केक मिलेगा, खा के जाइएगा, ठीक है? अरे नाराज हो गए, कोई बात नहीं। आप लोग अपना थोड़ा सतर्क रहिए, छीना चाहते करने में माहिर हो। ओके, आप सुनिए, इधर इधर सुनिए, चर्च के जो जवान लोग हैं जरा देख लीजिए बंदर का क्या हाल पूछा, जरा बाहर रुक लीजिए, बड़े काम का बंदर। आप सुनिए सब लोग, इधर ध्यान दीजिए। ओके, हो गया बंदर। यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं है, यीशु मसीह को कोई रिलेट करने वाला कोई घटना नहीं है। मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि 2080 से लेके 350 AD के आसपास में
एक बिशप था जिसका नाम था निकोलस। ये बाइबल का घटना नहीं है, ये सेंटा क्लॉज बाइबल का आदमी नहीं है, और क्रिसमस के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। अद्भुत रीति से यीशु मसीह को रिमूव करके और उसके सामने क्या रख दिया, सेंटा क्लॉज। आज बहुत से लोग संसार में यही जानते हैं, यही उजला दाढ़ी वाले बाबा का आज क्या हुआ था, जन्म हुआ था। यीशु मसीह को लोग याद करना नहीं चाहते, यीशु मसीह को फोकस नहीं करना चाहते, यीशु मसीह को स्मरण नहीं करना चाहते, उनके बारे में वो शिक्षा लेना नहीं चाहते। पर शैतान ने यीशु मसीह को रिमूव करके क्रिसमस के बीच में, क्रिसमस के अवसर पे किसको सामने रख दिया, सेंटा क्लॉज को सामने रख दिया। तो ये सेंटा क्लॉज कौन था, ये 280 और 350 एडी के आसपास में एक बिशप था जिसका नाम निकोलस था, और ये नॉर्थ पोल में निवास करता था। और ये जो सेंटा क्लॉज आगे चल करके इनका नाम हो गया, इनका पहले नाम निकोलस था, और इनको हिरन की सवारी बहुत पसंद थी, क्योंकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ इनके नॉर्थ पोल में हुआ करता था, सालों भर बर्फ जमा हुआ रहता था। वहां पे हिरन के द्वारा खींचा जाने वाला गाड़ी यानी स्लेज चलता था, ये स्लेज पे बैठ करके जिसको हिरन खींचता था वो आगे बढ़ते थे। और ये सेंटा क्लॉज यानी कि संत निकोलस, बिशप निकोलस जो थे, ये बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। जैसे हमारे भारत में नेहरू जी के बारे में बहुत प्रचलित है ना घटनाएं हैं कि वो बच्चों से बहुत ही ज्यादा क्या करते थे, प्रेम करते थे। तो ये बिशप निकोलस जो है ये बच्चों से प्रेम करते थे, और मान्यता ये है कि साल भर ये चारों तरफ घूमते थे और अच्छे बच्चों का और बुरे बच्चों का ये लिस्ट बनाते थे, और लिस्ट बनाने के बाद क्या करते थे, क्रिसमस का जब समय आता था तो अच्छे बच्चों को ये प्रोत्साहन है ना, उसको प्रोत्साहित करने के लिए उनको गिफ्ट बांटा करते थे, और इसके बाद ताकि जो बुरे बच्चे हैं उनको ये संदेश जाए कि मैं भी अच्छा बनूं, हालेलुया, और मैं भी अच्छा बनूंगा, तो हमारे बिशप साहब निकोलस जो है वो हमको क्या करेंगे, उपहार देंगे। और इस तरीके से मेरे भाई और बहनों, यही संत निकोलस यानी बिशप निकोलस जो है आगे चल करके बच्चों के बीच में बहुत फेमस हो गए, है ना, कि क्रिसमस में वो आएंगे हमको क्या करेंगे, गिफ्ट देंगे। और ढेर सारी कहानी है, वो रात के अंधेरे में निकलते थे और बच्चों के घर में गिफ्ट डाल के चले जाते थे, है ना, और लोग बहुत आश्चर्य करते थे कौन गिफ्ट देके चला गया, और बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। आगे जब उनकी मृत्यु हो गई तो लोग बहुत ही व्याकुल हो गए, लोग उनको ढूंढने लगे, बच्चे उनको ढूंढने लगे, और उनकी याद में कई लोगों ने कविता बना डाला, कई लोगों ने गीत लिख डाला, आगे चल करके ग्रीटिंग्स कार्ड में उनका फोटो छाप दिया गया, और इस तरीके से 1836 में पहला उनका पेंटिंग बनाया गया। और इसके पीछे जो है पूरा व्यापारीकरण जो है वो जुड़ गया, और उनका ड्रेस बेचा जाने लगा, उनका गेटअप दाढ़ी बेचा जाने लगा, उनको एक उपहार बांटने वाले के तौर पे प्रस्तुत किया जाने लगा, उनको एक क्या बोलेंगे दयालु व्यक्ति के तौर पे प्रस्तुत किया जाने लगा। और आगे चल करके धीरे 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 लोगों ने इसको क्या कर दिया, क्रिसमस के साथ ऐसा जोड़ दिया कि लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि आज के दिन क्या हुआ था, सेंटा क्लॉज का ही क्या हुआ था, जन्म हुआ था, हालेलुया। पर आज सेंटा क्लॉज का बिल्कुल जन्मदिन नहीं है, और आज क्रिसमस का जो दिन है इसका जो वैल्यू है, इसका जो महत्व है, इसका सेंटा क्लॉज से कोई लेना देना नहीं है। सेंटा क्लॉज केवल और केवल एक नेक व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति थे जो अपने एरिया में फेमस थे, बच्चों को गिफ्ट उपहार देते थे, लेकिन लोगों ने अब उनको क्या कर लिया, क्रिसमस के साथ जोड़ दिया। इसीलिए जब सेंटा क्लॉज आपके पास आता है, आप ऐसा मत सोचिएगा कि आज क्रिसमस है तो सेंटा क्लॉज का ही क्या है, जन्मदिन है, बल्कि आज किसका जन्मदिन है, प्रभु यीशु मसीह का, वो इस दुनिया में आया। मेरे भाई और बहनों, एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे, क्रिसमस के समय आप देखेंगे क्रिसमस ट्री को सजाते हुए, नहीं लोग क्रिसमस ट्री को अपने घर में लाते हैं, सजाते हैं, इस तरह का ये क्रिसमस ट्री, ये क्रिसमस ट्री जो है ना, इसका भी बाइबल में कोई जिक्र नहीं किया गया, बाइबल से इसका भी क्रिसमस ट्री का कोई लेना देना नहीं है, इसके पीछे अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग बातें हैं, आपको पता होना चाहिए नूह के बारे में, उसके तीन बेटे थे सेम, हाम और यपेत, और ये सेम हाम यपेत के उस
और निमरोद नाम का आगे चल कर एक बेटा हुआ, और निमरोद जो है उसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है वो एक महान योद्धा बना और बाबुल को अपना राजधानी बनाया और महान राष्ट्र का निर्माण किया निमरोद, और अपने धर्म के प्रसार को करना शुरू किया। लेकिन आगे चल कर के निमरोद की हत्या हो गई है ना। लेकिन हत्या से पहले निमरोद ने सेमामाई नाम की एक स्त्री से शादी किया, और निमरोद की जब हत्या हो गई तो सेमाई जो है वो गर्भवती हुई और एक पेड़ के नीचे एक बच्चे को जिसका नाम तुमार था उसको जन्म दी। और ये जो सेमाई जो है ये दावा करने लगी कि मेरे गर्भ से जो बच्चा पैदा हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि निमरोद का ही दूसरा क्या है अवतार है, और वो एक पेड़ के नीचे बच्चे को जन्म दे। और उस समय से लोग जो है सेमाई की पूजा करने लगे और वो पेड़ का भी पूजा करने लगे, और धीरे 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 ये क्रिसमस में क्या हो गया, ऐड हो गया है ना। ये सारी बातें है ना क्रिसमस ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। ये क्रिसमस ट्री जो है ये बिब्लिकल बिल्कुल भी नहीं है, बाइबल में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। एक और मान्यता है क्रिसमस ट्री का, वो क्या है, 18वीं शताब्दी में जर्मन में जर्मनी के जो लोग थे वो एक पवित्र पेड़ की पूजा करते थे है ना। जिस तरह से भारत देश में है ना हिंदुइज्म में जब जाएंगे तो लोग कई प्रकार के पेड़ की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। केला का पेड़ बृहस्पतिवार को है ना स्त्रियां क्या करती हैं, तुम्हारी स्त्रियां जल ढारती है कि ऐसा ही बृहस्पति देव जैसा पति मिलेगा मुझको है ना। फिर वट का पेड़ है, बरगद का पेड़ है ना, कि जितना तीन बरगद का पेड़ जिंदा रहता है तो मेरा पति भी जिंदा रहेगा है ना, इतना लंबी आयु होगा जैसे बरगद का पेड़ का लंबी आयु है ना। वहाँ जाके धागा वगैरह बांधते हैं, चक्कर वगैरह लगाते हैं है ना, और पेड़ से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने जैसा हमारे पति को भी दीर्घायु दे दीजिए है ना। तो यहाँ भी लोग पेड़ की पूजा करते हैं, अशोक का पेड़ है ना, और भी कई ऐसे पेड़ हैं जिसकी पूजा होती है। तो जर्मनी में भी लोग एक पवित्र पेड़ की पूजा करते थे। लेकिन आगे चल करके जब जर्मनी में सुसमाचार का प्रचार हुआ, लोग यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह को पहचाना, यीशु मसीह को अपना जीवन दिया और सब लोग मसीही हो गए जर्मनी में। लेकिन क्या हुआ, सब लोग मसीही तो हो गए लेकिन लोग पेड़ को छोड़ा नहीं, समझ रहे ना, अरे मसीही तो हो गए लेकिन पेड़ को छोड़ा नहीं। और लोगों ने ये तय किया कि चलो ठीक है भाई है ना, आप भले ही हम पूजा नहीं करेंगे पेड़ का, अरे डेकोरेशन तो कर सकते हैं ना, उसको सजा तो सकते हैं ना, उसके साथ इंजॉय लाइट बत्ती ये सब लगा के बच्चे खेल खिलौना वो सब तो हो सकता है ना। और इस तरीके से ये जो पेड़ जो है ना क्रिसमस ट्री के तौर पर क्रिसमस के साथ क्या हो गया, जुड़ गया। बल्कि बाइबल में क्रिसमस यानी यीशु मसीह जब पैदा हुआ उससे जुड़ा हुआ इस क्रिसमस ट्री का कोई कहानी, कोई स्टोरी, कोई हिस्ट्री, कोई इतिहास, भूगोल घड़ी नहीं है। अरे आज हमको और आपको सोचना है कि हम और आप क्रिसमस ट्री को कैसे देते हैं। अरे आप ऐसा मत समझिएगा जो नए लोग हैं, ये महापवित्र कोई पेड़ है ना, और बाहर भी महापवित्र कोई पेड़ लगा है, अगर वहाँ पर अपना जूता टांग देंगे तो एक और जूता वहाँ पैदा हो जाएगा, वहाँ पे खिलौना लगा देंगे तो वहाँ पे एक और खिलौना पैदा हो जाएगा, वहाँ विश लिख के अपना कुछ ऐसा टांग देंगे ना तो सेंटा क्लॉज मेरा मनोरथ क्या कर देगा, पूरा कर देगा। अरे ये क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज का क्रिसमस से कोई लेना देना नहीं है, ये विश्व व्यापार है ना मंडल ने इसको क्या किया, प्रसारित किया ताकि उनका दाढ़ी बिके, ताकि उनका कपड़ा बिके, ताकि क्रिसमस ट्री की बिक्री हो। पूरे विश्व में लाखों करोड़ों का बिजनेस होता है क्रिसमस ट्री के पीछे, स्टार्स के पीछे है ना, और सेंटा क्लॉज का जो ड्रेस है उसके पीछे। ये व्यापारीकरण के कारण से ये सब चीज क्रिसमस के साथ क्या हो गया, जुड़ गया है। बल्कि बाइबल में इसका कोई लेना देना नहीं है, बाइबल की कहानी के साथ ये बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है मेरे भाई। अब सवाल उठता है क्रिसमस के समय हम लोग केक काटते हैं, हालेलुया, अब मुंह में पानी आ गया सब, हम लोग क्या करते हैं क्रिसमस के दिन केक काटते हैं। पर मैं आपको बताऊं केक भी बाइबल से है ही, केक के बारे में बाइबल में कोई वर्णन ही नहीं है, बाइबल में अगर केक के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, केक का बाइबल से कोई लेना देना नहीं। ये हम लोगों ने अपना एक रीति रिवाज और परंपरा क्या कर लिया, बना लिया है। विदेश वगैरह में केक जो है हर घर में पाया जाता है और लोग खाना पसंद करते हैं और
कहीं ना कहीं आप किसी चीज के ओपनिंग में, किसी चीज शुभ मुहूर्त पे और कई अवसर पे, बर्थडे पे लोग आप क्या करने लगे हैं, केक काट के किसी शुभ चीज की शुरुआत करते हैं। हालेलुया। और धीरे धीरे ये केक जन्मदिन से जुड़े होने के नाते से यीशु मसीह के जन्म से भी क्या हो गया, जुड़ गया। जहां रीति रिवाज परंपरा था कि जन्मदिन की खुशियां केक काट के मनाएंगे, तो उन्होंने इस चीज को क्रिसमस के साथ भी जोड़ दिया कि यीशु मसीह का जन्मदिन भी हम क्या करेंगे, केक काट के मनाएंगे। तो आप केक काटे या नहीं काटे, लेकिन ये बिब्लिकल नहीं है, बाइबल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक वैसे जैसे भारत में ठेकुआ बहुत पसंद है ना, बहुत पॉपुलर है, यहाँ का लिट्टी चोखा बहुत पॉपुलर है, पसंद है, कोई भी आता तो लिट्टी चोखा ठेकुआ का डिमांड करता है। हम हॉस्टल में जब लोग जाते ही लड़के पूछते थे ठेकुआ लाए हो बिहार से, समझे, बहुत ही पॉपुलर। उसी तरह से केक पश्चिम से आया इंडिया में, पश्चिम देशों में है ना केक का प्रचलन, जैसे यहाँ लिट्टी चोखा और ठेकुआ लोग खाते हैं, वहाँ केक और हर शुभ कार्य में, हर खुशी में लोग केक काटते हैं, जैसे यहाँ हर पूजा पाठ और खुशी में लोग ठेकुआ भुजिया पकवान बनाते हैं। और धीरे धीरे ये केक जो है ये इंडिया में भी आ गया और आज के समय में तो केक अब हर कोई काटता है जन्मदिन में, हर कोई सेलिब्रेट करता है। तो केक जो है वो बिल्कुल बाइबल से संबंध नहीं रखता है, फिर भी आपकी खुशी है, आप अपने एरिया के हिसाब से क्या चीज व्यंजन है, क्या पकवान है, आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये कोई मायने नहीं रखता है, आपके अनुसार चलेगा। जहां तक कार्ड की बात है, तो ऑलरेडी आप क्रिसमस का कार्ड धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिजिटल होता चला जा रहा है। अब कार्ड का जमाना भी क्या हो गया, खत्म हो गया, लेकिन ये कार्ड वगैरह की भी चर्चा बाइबल में नहीं की गई है। लेकिन अगर आप कैंडल की बात करें, क्रिसमस के समय लोग आके कैंडल जलाते हैं, है ना, कैंडल, तो कैंडल जो है ना, इसके बारे में भी बाइबल में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि यीशु मसीह पैदा हुआ तो कोई आके कैंडल जलाया, इसलिए हम भी अब यीशु मसीह के लिए कैंडल जलाएं। लेकिन एक बात जरूर सत्य है कि यीशु मसीह ने बोला जगत की ज्योति मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जगत की ज्योति है। ये कैंडल जो है ज्योति का एक छोटा सा स्रोत है जिसके द्वारा रोशनी फैलती है, और यीशु मसीह ने कहा आगे कि जगत की ज्योति तुम हो। हालेलुया, यानी हम और आप आज के समय में जगत की ज्योति है। तो हमारी और आपकी तुलना यीशु मसीह की तुलना कैंडल से की जा सकती है, ज्योति के रूप में। हालेलुया। तो इसको डायरेक्ट आप बाइबल से जोड़ नहीं सकते, लेकिन कुछ संदेश है जिससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। हालेलुया। अब हम बात करेंगे तारों का। क्रिसमस के समय तारा टांगा जाता है, इधर चले यहाँ तारा भी गिरे जरा, या पेड़ में तारा टांगा, देखिए वाह, पेड़ में ही तारा लग गया। तारा का क्या प्रॉब्लम है, तारा क्यों आ गया क्रिसमस में, तारा के द्वारा क्यों डेकोरेशन करते हैं? तो हम आपको बताना चाहेंगे भाई और बहनों, केवल तारा ही एक ऐसा चीज है जो क्रिसमस के समय हम लोग यूज करते हैं और अपने घरों में टांगते हैं, डेकोरेशन करते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा कि वो बाइबल से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। तारा ही है केवल जो हम और आप क्रिसमस के समय इस्तेमाल करते हैं, जो बाइबल की कहानी यीशु मसीह के जन्म से जुड़ा हुआ है, और अगर हम तारा लगाते हैं तो वही संदेश का हम प्रसारण करते हैं। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो पूरब दिशा में एक विशेष तारा क्या हुआ, दिखाई दिया ज्योतिषी लोगों को, जो लोग ग्रह नक्षत्र सूरज चांद सितारों का अध्ययन करते हैं, उन्होंने देखा पूरब दिशा में अनेक एक विशेष तारा चमका, उन्होंने अध्ययन किया और उनको पता चला ये तारा इसलिए चमका है क्योंकि कोई महान बालक राजा का क्या हुआ है, जन्मदिन हुआ है। और उसी तारे का अध्ययन करते करते, उसका पीछा करते करते, वो तारा भी चल करके वहीं पे अटक गया जहां यीशु मसीह बैतलहम में झोपड़ी में गौशाला में पैदा हुए थे, और ज्योतिषी लोग तारा का ही अनुसरण अध्ययन करके यीशु मसीह तक पहुंच पाए थे। हालेलुया। और ये तारा जो है वो बाइबल के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन कुछ बातें हैं जो हम आपको क्लियर बताना चाहेंगे आपको, मैं आप ये बताना चाहता हूँ कि जो तारा आकाश में दिखाई दिया था, आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि बड़ा सा तारा दिखाई दिया था, रंगीन तारा दिखाई दिया था, एकदम लटका हुआ था आसमान में ऐसा, और सब लोग उसको देख पा रहा था, ऐसा नहीं था। बाकी जैसा तारा है ना वैसा ही तारा था। आकाश में बहुत से तारे हैं, आपको तारा से कोई लेना देना होता है?
बहुत ज्यादा है तो रात के समय छत पे सोते हैं गर्मी के दिन में ना, तो लोग ढूंढते हैं वो सात भाई वाला तारा की तरह सब उसके पीछे भी एक से कहा ऐसे में ऐसे हुआ था तो ऐसे हुआ था, और आप उस तारा को ढूंढते हैं वो सात तारा एक साथ ना एक पोजीशन में कहाँ पे आप ढूंढते उस तारे को, आपने बच्चे को भी बताता देखो वो सब ऋषि है सात तारा है और सब ऋषि को केवल हम लोग रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। एक और तारा है ध्रुव तारा है ना, उसके पीछे भी ढेर सारी कहानी है, उसको कई लोग रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, बाकी तारों से आपका कोई लेना देना नहीं होता है। तो यीशु मसीह जब पैदा हुआ था तो उसी तरह का एक तारा दिखा था, इसका यह मतलब है कि बहुत बड़ा तारा दिख गया था, रंगीन तारा, और वो तारा उसका अगुवाई करने पाया, वो कोई विचित्र तारा, कोई दुर्लभ तारा, कोई असामान्य तारा नहीं था, बल्कि एक सामान्य तारा ही था जो क्रिसमस की कहानी के साथ जुड़ा हुआ था और जिसको केवल और केवल ज्योतिषी लोग ही रिकॉग्नाइज कर पाए थे। हालेलुया। तो इस तरह से आज मैंने आपको बताया कि किस तरह से सेंटा क्लॉज क्रिसमस के साथ जुड़ गया जब वो बाइबल का चरित्र नहीं है, है ना। साथ ही साथ है ना और भी कई बातें हैं, क्रिसमस ट्री जो है वो क्रिसमस के साथ जुड़ गया जबकि बाइबल में इसका कोई जिक्र नहीं है। आगे चल करके कैंडल है वो क्रिसमस के साथ जुड़ गया, है ना स्टार, लेकिन स्टार जो है इसका जिक्र बाइबल में किया जाता है। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारी बातों को लेकर मतभेद हो सकता है, इन सारी बातों को लेकर के अलग विवाद हो सकता है, इन सारी बातों को लेकर बहस हो सकता है, इन सारी बातों को लेकर के अलग हमारा और आपका अलग अलग विचार अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन हम सबका एक दृष्टिकोण है जो कभी नहीं बदलेगा और ये दृष्टिकोण ये है कि यीशु मसीह दुनिया में आए। हालेलुया। भले हम जैसे भी बना रहे हैं, भले ही हम किसी भी चीज को इसके साथ जोड़ दिए हो, भले ही जैसे भी जिस रूप में भी, लेकिन ये सत्य है भाई बहनों कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए। हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में आ गए और आने के बाद मेरे भाई बहनों हमारे और आपके उद्धार के कार्य को यीशु मसीह ने क्या किया, पूरा किया। हालेलुया। और आज हम आपको बताना चाहेंगे कि यीशु मसीह का जन्म जो है वो किस स्थान पे हुआ। सोचिए सूरज चांद और सितारों को बनाने वाला जो परमेश्वर है वो गौशाला में क्या किया, देह धारण किया, गौशाला में यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह का रहने का जो स्थान मिला वो क्या मिला, गौशाला। गौशाला में यीशु मसीह ने जन्म लिया वो इस बात को दर्शित करता है कि यीशु मसीह अपने आप को नम्र बनाया, यीशु मसीह अपने आप को गरीब बनाया, यीशु मसीह अपने आप को दीन किया और अपने स्वर्ग सिंहासन को त्याग कर वो कहाँ आ गया, गौशाला में आ गया। हालेलुया। यानी यीशु मसीह का निवास स्थान सर्वप्रथम गौशाला ठहरा, गौशाला एक झोपड़ी में जहाँ भेड़ बकरी गाय बैल ये सारे जानवरों को बांधा जाता है, वहां पर यीशु मसीह का क्या हुआ, जन्म हुआ, उसमें यीशु मसीह का निवास हुआ। हालेलुया। और इस तरह से मेरे भाई बहनों हम और आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि क्रिसमस जो है हम जैसे भी मनाएं, लेकिन ये मनगढ़ंत बातें हैं या काल्पनिक बातें हैं, ऐसी बातें नहीं है, बल्कि क्रिसमस जो है ये सचमुच की घटना है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया। हालेलुया। और आज हम आपको बताना चाहेंगे कि भले ही क्रिसमस जो है किसी ने मनाया ऐसा बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्रिसमस की घटना जो घटी वो अपने आप में एक सेलिब्रेशन से कम नहीं था। हालेलुया। क्रिसमस की जो घटना घटी इसके साथ जितने लोग जुड़े थे उन्होंने जो कुछ भी किया वो क्रिसमस मनाने के बराबर ही था, यीशु मसीह का जन्म को सेलिब्रेट करने के ही बराबर था, यीशु मसीह के जन्म उत्सव में आनंदित तो होने के ही बारे में बताता है, यीशु मसीह जो है किस तरह से जन्म लिया और उनके आसपास जितने लोग जुड़े हुए थे सबने बड़ा दिन मनाया, क्रिसमस मनाया, भले वहां पे बड़ा दिन शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ या क्रिसमस शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन यीशु मसीह पैदा हुआ तो सेलिब्रेशन हुआ, यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो यीशु मसीह का जन्म उत्सव मनाया गया,
यीशु मसीह जब पैदा हुआ लोग आनंदित हुए, यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो चरवाहों ने कैरल सिंगिंग किया, जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो स्वर्गदूतों ने मिलकर यीशु मसीह की महिमा की, जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो बहुत से लोग उनका दर्शन करने आए, जब यीशु मसीह पैदा हुआ लोग खुशी और आनंद से क्या हो गए, भर गए, और ये भी अपने आप में एक ग्रेट सेलिब्रेशन था मेरे भाई बहन। हालेलुया, यीशु मसीह का जन्म होना और वो गौशाले में, किस स्थान में जन्म लिया, गौशाले में। और आपको पता है जब आप पुराने नियम को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने इसराइलियों को बोला था कि मेरे लिए एक मंदिर बनाओ, परमेश्वर ने क्या बोला था, सब लोग जोर से बोले, क्या बोला था परमेश्वर, मेरे लिए एक मंदिर बना, और उस मंदिर को मूसा ने बनाया। आगे चल करके दाऊद का बड़ा इच्छा हुआ कि उस मंदिर को हम पक्का बनाए जिसमें परमेश्वर निवास करे, और परमेश्वर निवास करता भी था पवित्र महा पवित्र स्थान में, लेकिन दाऊद नहीं बना पाया तो उसका बेटा सुलेमान मंदिर को पक्का बनवाया। हालेलुया, और उस मंदिर में परमेश्वर का निवास था, परमेश्वर उतर के आता था, वहां तेज से भर जाता था, वहां बादलों से गिर जाता था, और परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे थी, लेकिन इंसान के पाप के कारण से, इसराइलियों के पाप के कारण से परमेश्वर का महिमा मंदिर से क्या हो गया, उठ गया, और परमेश्वर ने मंदिर को दुश्मनों के हवाले कर दिया। दुश्मनों ने, अगल बगल के राजाओं ने आकर के मंदिर के ऊपर आक्रमण किया और नींव तक खोद के क्या कर दिया, नष्ट कर दिया और बर्बाद कर दिया उस मंदिर को। और पाप के कारण से परमेश्वर जो है अपनी महिमा को त्याग दिया, उस मंदिर को क्या कर दिया, त्याग दिया। आगे चल करके परमेश्वर ने यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में आया, और यीशु मसीह कहता है कि मैं क्या हूं, चलता फिरता मंदिर हूं। हालेलुया, और यीशु मसीह ने बोला इस मंदिर को ढा दो और इस मंदिर को मैं तीन दिन में क्या कर दूंगा, खड़ा कर दूंगा। लेकिन यीशु मसीह जब चले गए तो उन्होंने हमारे और आपके बारे में बोला कि तुम पवित्र आत्मा का क्या हो, मंदिर हो। हालेलुया, यानी कि यीशु मसीह आज के समय में हमारे और आपके जीवन में, हमारे और आपके हृदय में निवास करता है। हालेलुया, यीशु मसीह जो है ये जो बिल्डिंग बना हुआ है इसमें निवास नहीं करते हैं। ऐसा मत सोचेगा कि शाम के समय आएंगे ना तो यीशु मसीह वहां एकदम दाढ़ी वाले बाबा ऐसा हाथ में डंडा लेके चश्मा लगा के बैठे रहेंगे और बोलेंगे माय सन व्हाट इज योर डिजायर, है ना, और यीशु मसीह मेरा इच्छा पूरा करेगा, है ना, और यीशु मसीह मेरा मेरे को आशीर्वाद देगा। यीशु मसीह ये बिल्डिंग में नहीं रहता, परमेश्वर मंदिर मस्जिद और गिरजाघर में नहीं रहता, परमेश्वर अपने रहने का स्थान बनाया है, और वो क्या बनाया है, हमारा और आपका हृदय, हम और आप चलता फिरता परमेश्वर का क्या है, मंदिर है। हालेलुया, और यीशु मसीह इसमें निवास करना चाहता है। सोचिए जब यीशु मसीह को दुनिया में आना था उनको कोई सराय में जगह नहीं मिला, जब यीशु मसीह को दुनिया में पैदा होना था कहीं भी उनके लिए कोई घर का दरवाजा किसी ने नहीं खोला, और यीशु मसीह का जन्म कहां हुआ, गौशाला में हुआ। आज आपको और हमको आज क्रिसमस के अवसर पे अगर यीशु मसीह को आपके जीवन में पैदा होना है तो उसके बारे में सोचिए कि आपके हृदय को ही क्या बनना है, गौशाला बनना है, आपके हृदय को ही परमेश्वर का मंदिर बनना है, आपके हृदय में ही अब यीशु मसीह का जन्म होना है। आप कई जगह पे जाएंगे, चर्च में आप देखेंगे लोग झोपड़ी बनाते हैं, झोपड़ी बना के यीशु मसीह का ऐसा मुंह अंगूठा चूसते हुए गोदी में ऐसा बैठा हुआ मूरत भी लगा दे रहे हैं, और वहां पे भेड़ बकरी सब नकली मूरत ऐसा बैठा हुआ है, और लोग जाकर वहीं पे कैंडल जला रहे हैं, यहीं पे पैदा हुए हैं यीशु मसीह, यही है, यहीं पे है, यही झोपड़ी पे है, लेकिन यीशु मसीह यहाँ है, अंदर अंदर पैदा होना चाहता है। तो यीशु मसीह के लिए हम अपना इस झोपड़ी का दरवाजा हमेशा क्या रखते हैं, बंद रखते हैं, इस मंदिर का दरवाजा हमेशा हम अपने लिए बंद रखते हैं, लेकिन बाहर यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं, आज के दिन ढूंढ रहे हैं। शाम में देखिएगा लोग एकदम ऐसे घुसेंगे कैंपस में जैसे कहां है यीशु मसीह, कहां है यीशु मसीह, किधर 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 किधर, कैंडल गाड़ दे रहे जाके, समझ रहे ना, अंदर में दिल में यीशु मसीह पैदा हो, दिल में यीशु मसीह आए, इसके लिए कोई प्रयास नहीं है। आपको क्या लगता है जीवन भर आप पाप किए कुकर्म किए और ये शारीरिक मंदिर को आपने गंदा कर दिया और आपका एक कैंडल जला देने से कल्याण हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना है। जब तक यीशु मसीह को एक गौशाला के तौर पर अपने हृदय को बनाकर इसमें यीशु मसीह को स्थान नहीं देंगे,
अपने जीवन में यीशु मसीह को नहीं देंगे, अपने जीवन में यीशु मसीह को प्रथम स्थान नहीं देंगे, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होने है मेरे भाई बहन। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रिसमस का सही स्थान और अर्थ प्रभु यीशु मसीह का हमारे हृदय में जन्म लेना है। हालेलुया। और आज अगर हमारे और आपके हृदय में यीशु मसीह जन्म ले ले, हमारे और आपके हृदय में यीशु मसीह आ जाए, तो क्रिसमस का सही अर्थ हम और आप आज के दिन क्या करने पाएंगे, पूरा करने पाएंगे, क्योंकि आज के दिन यीशु मसीह पैदा हुआ। और वो अगर आपके जीवन में, आपके इस मंदिर में, आपके इस गौशाला में पैदा हो जाए, तो क्रिसमस का सही अर्थ आपके जीवन में क्या होगा, पूरा होगा। हालेलुया। आइए थोड़े समय हम आपको बताइए कि प्रथम क्रिसमस यानी बड़ा दिन यानी यीशु मसीह का जन्मदिन कैसे मनाया गया। हालेलुया। यीशु मसीह की जो वास्तविक घटना थी उसमें किस लोगों ने किस तरीके से क्रिसमस मनाया, यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया, वो किस तरह से क्रिसमस की कहानी के साथ जुड़े और इंजॉय किए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यूसुफ और मरियम का। हालेलुया। क्योंकि क्रिसमस में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। कौन कौन चले सोने वाले लोग एक जोरदार ताली बजाइए। सोने वाले लोग ताली बजा दिए, क्यों सो रहे हैं जो ताली बजाने पड़ा। सोने वाले बोले हालेलुया। इसी से पता चल रहा है आप मेरा समझ रहे कि नहीं। हम बोले सोने वाले बोले हालेलुया, सब बोल रहे हैं नेताजी जिंदाबाद, तो पीछे पीछे सब जिंदाबाद, और मेरे का मुर्गा था जो आंद्रे जिंदाबाद। अरे ध्यान से सुनिए ना, क्या बोला जा रहा है, क्या करना है, क्या इंस्ट्रक्शन मिला है, बोला कुछ और जा रहा और हो जाता है। इसी से पता चलता है आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान से सुन ही नहीं रहे। तो पहला क्रिसमस यानी बड़ा दिन कैसे मनाया गया, तो हम देखेंगे यूसुफ और मरियम के जीवन में कि यूसुफ और मरियम के द्वारा यीशु मसीह का जन्म का जो उत्सव था, जन्म का जो खुशी था, वो कैसे मनाया गया। लुका उसका एक अध्याय और उसके 38 पद को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि मरियम जो है अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर को समर्पित करके यीशु मसीह का जन्म उत्सव क्या की मनाए। हालेलुया। आपको पता है कि मरियम जो थी वो एक कुमारी स्त्री थी, उसकी शादी हुई नहीं थी पर यूसुफ के साथ मंगनी हुई थी, और ऐसे ही अवस्था में जबकि वो विवाहित नहीं थी स्वर्गदूत आया और आने के बाद बोला हे मरियम सलाम तुझको। अब मरियम डर गए, मरियम घबरा गए कि ये कैसा अभिवादन है, ये किस तरह का नमस्कार है। तो स्वर्गदूत ने बोला मरियम देखो परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम तुम क्या रखना, यीशु रखना। यीशु जो है वो परमेश्वर का नाम है। किसी को नहीं पता था कि परमेश्वर का नाम क्या है, लेकिन स्वर्गदूत आया और वो मरियम से बताया कि परमेश्वर पैदा होने वाला है और उसका नाम यीशु है, इसलिए उसका नाम बबलू मत रख देना, उसका नाम गुड्डू मत रख देना, उसका नाम चिंटू और उसका नाम निरहुआ मत रख देना, उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना, क्योंकि परमेश्वर का नाम क्या है, यीशु है। स्वर्ग में परमेश्वर का नाम यीशु है, इसीलिए परमेश्वर ने चाहा कि पृथ्वी पर भी मेरा नाम क्या हो, यीशु ही हो। इसलिए स्वर्गदूत ने हिदायत दिया कि तू उसका नाम क्या रखना, यीशु ही रखना। हालेलुया। और यीशु का मतलब होता है उद्धार देने वाला, यीशु मसीह का मतलब होता है मुक्ति देने वाला, यीशु का मतलब ही होता है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और उसका नाम इम्मानुएल यानी परमेश्वर हमारे साथ है। तो ये बात सुन करके मरियम डर गई, ये बात सुन के मरियम घबरा गई, क्यों, क्योंकि वो कुंवारी थी। हालेलुया। वो डर गई कि अभी मेरी शादी नहीं हुई है और अगर मैं अभी मां बन जाऊंगी और यीशु को जन्म दूंगी तो लोग क्या बोलेगा, जमाना क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा, मेरी तो नाम धराई होगी, मेरी तो बदनामी होगी, लोग मेरे नाम पे ठट्ठा करेंगे कि
देखो बिन ब्याही माँ, पता नहीं किससे मुंह काला करवाई, पता नहीं किसके साथ में विचार की, पता नहीं इसने किसने किसके साथ क्या किया, और मेरी नाम धराई हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। वो डर गए, वो घबरा गए, ये क्यों कर हो सकता है, कैसे हो सकता है, अभी तक मैंने किसी पुरुष का मुंह भी नहीं देखा, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई, ये कैसे संभव हो सकता है। लेकिन फरिश्ते ने कहा, जो इंसान से असंभव है वो परमेश्वर से क्या है, संभव है। परमेश्वर से सब कुछ संभव है। पवित्र आत्मा तो उस पर छाया करेगा, और जो तुम्हारे गर्भ में होगा वो परमेश्वर का क्या कहलाएगा, पुत्र कहलाएगा, और तुम उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना। अब ऐसे दुख की बेला में बेचैनी सामने है, निंदा सामने है, ऐसी परिस्थिति में मरियम ने किसी भी चीज की परवाह नहीं की। वो परवाह नहीं की कि गांव वाले क्या बोलेंगे, वो परवाह नहीं की कि समाज क्या बोलेगा, वो परवाह नहीं की कि लोग मुझे लालन पालन करेंगे, वो परवाह नहीं की कि लोग मुझे गाली फेंकेंगे, वो परवाह नहीं की कि लोग मेरा हंसी मजाक और ठट्ठा उड़ाएंगे, बल्कि उसने अपना जीवन परमेश्वर को क्या कर दिया, समर्पित कर दिया कि यस आप जैसा चाहते हैं, परमेश्वर जैसा चाहता है वैसे मेरे जीवन में हूँ, और मैं उसके लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। हालेलुया। आज अगर मेरे दिल में, आपके दिल में यीशु मसीह का जन्म होना है, तो हम सोचने लगते हैं गांव वाले क्या बोलेंगे, समाज वाले क्या बोलेंगे, परिवार वाले क्या बोलेंगे, लोग बोलेंगे विदेशी धर्म को अपना लिया, लोग बोलेगा अपना धर्म में क्या देवी देवता भगवान की कमी थी जो एक और विदेशी भगवान को लेके चला है, क्यों यीशु मसीह के पीछे जा रहे हो, क्यों उसको दिल में जगह दे रहे हो, क्यों उसको अपना जीवन समर्पित कर रहे हो। लोग लज्जा डर भय समाज से निकाले जाने का, बहिष्कार का, तिरस्कार का डर भय, हम और आप उससे ग्रसित हो जाते हैं और यीशु मसीह को लात क्या करते हैं, मार देते हैं। कोई जरूरत नहीं है यीशु मसीह का, ना कोई जरूरत नहीं कि यीशु मसीह मेरे दिल में जन्म आए। लेकिन आप मरियम को देखिए, मरियम ने यीशु मसीह के जन्म के अवसर पे, जब यीशु मसीह का जन्म उसकी तैयारी चल रही है, मरियम ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया कि वो परमेश्वर की योजना में शामिल हो। वो अपने जीवन को समर्पित कर दी कि परमेश्वर की योजना मेरे द्वारा प्रकट हो। वो अपने जीवन को समर्पित कर दी कि जैसा परमेश्वर चाहता है मेरे जीवन में हो, चाहे हमको लोग लज्जा सहना पड़े, कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर की बातों को मानने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। हालेलुया। यानी कि मरियम जो है आज के दिन अपना जीवन क्या की, परमेश्वर को समर्पित कर रहा। मत्ती उसका 2:24 पद को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि मरियम ने और यूसुफ ने 100% परमेश्वर की आज्ञा को माना। हालेलुया। यूसुफ को जब मालूम चला कि मरियम गर्भवती है, अब वो एक धर्मी आदमी था, वो अपने घर में बेचैन हो गया, वो अपने घर में व्याकुल हो गया, ये मैं क्या सुन रहा हूं। मरियम जो एक अच्छी पवित्र स्त्री थी, जिससे मेरी शादी होने वाली थी, मरियम जो एक नेक स्त्री थी, उसके बारे में मैं क्या सुन रहा हूँ। गांव के लोग, समाज के लोग तो यही बोल रहे हैं कि मरियम क्या है, गर्भवती है। अभी तो मेरा मंगनी हुआ, शादी हुआ नहीं, हम लोग एक साथ इकट्ठे कभी हुए नहीं, हम एक दूसरे से मिले नहीं उस तरह से, और शादी से पहले ही मरियम गर्भवती कैसे हो सकती है। और यूसुफ भी मरियम को त्यागने का पूरा प्लान क्या कर लिया था, बना लिया कि मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैं मरियम को चुपके से क्या कर दूंगा, त्याग दूंगा, मेरे समाज में बदनामी हो जाएगी, है ना, और नाम धराई हो जाएगी, लोग ठट्ठा करेंगे, कैसी लड़की से शादी कर रहे हो, शादी से पहले ही गर्भवती हो गई है। हालेलुया। और बेचारा बेचैन हो गया, रात में सो गया, लेकिन स्वर्गदूत उसके स्वप्न में आया। हालेलुया। और उसने बोला, यूसुफ तुमको मरियम के बारे में ऐसा सोचने का जरूरत नहीं है, उसके गर्भ में जो है ना वो किसी इंसान का बच्चा नहीं है, उसमें किसी इंसान का बीज नहीं है, कोई इंसान का पुत्र या पुत्री उसमें नहीं है, ये स्वयं परमेश्वर जो है वो मरियम के गर्भ में क्या किया है, धारण किया है। हालेलुया। वो स्वयं परमेश्वर है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, प्रभुता उसके कांधे पे होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला इमानुएल रखा जाएगा, और देख उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना। अब यूसुफ चल गया और तुरंत जाकर के मरियम को अपने घर क्या हुआ, ले आया। देखिए क्रिसमस के पीछे समर्पण जुड़ा हुआ है, क्रिसमस के पीछे
का मालूम जुड़ा हुआ है। और लुका उसका एक अध्याय 46:55 पढ़ेंगे तो आप पाएंगे मरियम और यूसुफ जो है वो परमेश्वर की स्तुति भी करते हैं जब यीशु मसीह पैदा हुआ। यानी कि यूसुफ और मरियम ने अपना जीवन समर्पित किया जिसके कारण से आज हम क्रिसमस मना रहे हैं। यूसुफ ने परमेश्वर के आज्ञा को पालन किया जिसके कारण से आज हम ये उत्सव मना रहे हैं। यीशु मसीह के जन्म की बातों को सुनकर मरियम और यूसुफ ने परमेश्वर की स्तुति की, उसकी बड़ाई की और अपना संपूर्ण जीवन यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। हालेलुया। क्रिसमस के पीछे यूसुफ और मरियम का समर्पण और उसका आज्ञा पालन जुड़ा हुआ है मेरे भाई बहनों। यानी आज्ञा मानकर अपना जीवन समर्पित करके यीशु मसीह का जन्म उत्सव की तैयारी मरियम ने और यूसुफ ने किया। हालेलुया। हर बातों को छोड़ते हुए और जब एक नियत समय आया और जब यीशु मसीह का जन्म हो गया, यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हो गए, उस समय जनगणना नाम लिखाई हो रही थी, सारा शहर जो है लोगों से पटा पड़ा हुआ था और मरियम जो है जन्मने का दिन हुआ वो हर द्वार पे जाके खटखटाने लगी रात के समय, किसी ने भी उसके लिए दरवाजा नहीं खोला, अंत में एक गौशाला में यीशु मसीह का जन्म हो गया। हालेलुया। और जब यीशु मसीह पैदा हो गया यानी क्रिसमस हो गया, यीशु मसीह का बड़ा दिन हो गया, वो पैदा हो गया, इसके बाद बाकी लोग किस तरह से यीशु मसीह का जन्म उत्सव मनाए तो हम याद करेंगे चरवाहों को। लुका उसका 2 अध्याय उसके 8 पद को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जहां यीशु मसीह पैदा हुआ उसी बैतलहम में ढेर सारे चरवाहे रात में क्या कर रहे थे, अपनी भेड़ की चरवाही कर रहे थे। सब लोग नाइट ड्यूटी पे थे, अपने भेड़ की चरवाही कर रहे थे और सारे घरेलू डरे हुए थे, सहमे हुए थे, निराशा में थे। अरे ठंड का मौसम है, लोग भी घूर रहे थे, अब क्या होगा, किस तरह से जीवन आगे चलेगा, और इस तरीके से वो लोग निराशा में अपने जीवन को बिता रहे थे। और ऐसे समय में अचानक क्या हुआ, वहां पे स्वर्गदूत आ गया। हालेलुया। और स्वर्गदूत ने बोला कि आज मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार क्या करता हूँ सुनाता हूँ। हालेलुया। यानी यीशु मसीह का पैदा होना ये एक गुड न्यूज है मेरे भाई बहन। यीशु मसीह का जन्म लेना ये हम सबों के लिए एक आनंद का सुसमाचार है। आज संसार में केवल दुख का सुसमाचार भरा हुआ है। आज पेपर उठा के पढ़िएगा, हर जगह भ्रष्टाचार है, हर जगह पाप और बुराई है, हर जगह बलात्कार और विभिन्न प्रकार का पाप और बुराई का समाचार से सारा न्यूज पेपर भरा पड़ा हुआ है। लेकिन यीशु मसीह का इस संसार में आना एक गुड न्यूज है, एक आनंद का सुसमाचार है। जब लोग निराशा में थे, जब लोग अंधेरे में थे, लोगों के पास कोई विकल्प नहीं, कोई उपाय नहीं, ऐसे समय में उद्धार मुक्ति नजात देने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ जो हमारे और आपके लिए एक आशा का काम किया और वो आनंद का सुसमाचार है। हालेलुया। और फरिश्तों ने स्वर्गदूत से बोला कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ जर्नी में पड़ा पाओगे। हालेलुया। और इस तरीके से ये गुड न्यूज, ये सुसमाचार स्वर्गदूत के द्वारा गणेरियों को मिला। हालेलुया। और जब गणेरियों को बड़ा दिन का, क्रिसमस का, यीशु मसीह के जन्म का सुसमाचार मिला तो अब गणेरियों ने क्या किया, और ये चीज हम लोग नहीं कर पाते। गणेरियों ने क्या किया, गणेरियों ने बोला रहने दो यार, चलते हैं कल जाके देखते हैं कौन पैदा हुआ। या उधर से भगेड़ना ने बोला ओ चचा जी अभी वो थके हैं रात में, है ना, अभी भेड़ बकरी को छोड़ छाड़ के कहाँ जाएंगे, मतलब बैतलहम में अब बालक को देखने, पता नहीं स्वर्गदूत आके बोला कौन सा बालक कैसा बालक, है ना, तो चलते हैं एक सप्ताह बाद चलेंगे, 10 दिन बाद चलेंगे, इस तरह का कोई मामला नहीं था। बल्कि उसी समय रात ही रात जितने घरेलू थे वो एक मन होकर, एक चित होकर निर्णय किया। हालेलुया। कि हमें यीशु मसीह का दर्शन करना है। और तुरंत उसने आज्ञा माना और भेड़ बकरी को छोड़ के, अपना ड्यूटी को छोड़ करके, और सब लोग कहां पहुंच गए, बैतलहम पहुंच गए, जिस गौशाले में यीशु मसीह का जन्म हुआ था। और वहां जाकर के सारे गणेरियों ने यीशु मसीह को दंडवत किया और यीशु मसीह की क्या की, महिमा की। हालेलुया। यानी कि बड़ा दिन के दिन, यीशु मसीह के जन्म के दिन जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो गणेरियों ने ऐसे जन्मदिन मनाया यीशु मसीह का,
गड़ेरियों ने क्या किया यीशु मसीह के लिए? उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह का दर्शन करने का चाह किया। वो एक मन एकजुट होकर यीशु मसीह के पास गया और स्वर्गदूत का आज्ञा माना और यीशु मसीह की महिमा की उसको दंडवत किया। हालेलुया। आज अगर हमको और आपको क्रिसमस मनाने की बात है तो अवश्य है कि हम और आप परमेश्वर का आज्ञा माने और परमेश्वर की आज्ञा मानकर हर चीजों को छोड़कर हम यीशु मसीह के चरणों में आए और उसकी स्तुति और उसकी महिमा करें। हालेलुया। क्रिसमस के दिन सूट लगा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गड़रियों ने कोई सूट और टाई पहन करके नहीं कार्यक्रम बनाया कि चलते हैं यीशु मसीह का दर्शन करने के लिए। थोड़ा सेविंग, थोड़ा ब्यूटी पार्लर में होके थोड़ा चमक के अब चलते हैं यीशु मसीह के पास। थोड़ा जूता रगड़ के, थोड़ा पॉलिश करके, थोड़ा बोतल अंदर मार ले और छोटा बोतल बाहर छिड़क ले, तब तैयार होके तब एकदम बाइक से चलते हैं यीशु मसीह के पास। तो लोग आओ यीशु मसीह के पास क्रिसमस के दिन, वो दरअसल यीशु मसीह के पास नहीं आते हैं, वो अपना जैकेट दिखाने के लिए आते हैं, वो अपना टाई दिखाने के लिए आते हैं, वो अपना मेकअप दिखाने के लिए आते हैं, अपना जूता इस साल एकदम नया लिए है, पापा खरीद दिए है ना, और एक दूसरे को एकदम दिखाएंगे एकदम आज एकदम स्टाइल में दिखावा करने के लिए कहाँ आ रहे हैं? क्रिसमस मना रहे, वो डेकोरेशन, वो क्रिसमस ट्री, वाओ गुब्बारा फूटेगा, बैलून फोड़ेंगे, केक खाएंगे, सब दिखावा, सब हवा, सब दिखावा, सब हवा। गड़रियों ने कैसे मनाया यीशु मसीह का जन्मदिन? जिस अवस्था में थे, फटे चिथड़े नंगे जैसे थे, दौड़ पड़े किसके पास? किसके पास? यीशु मसीह के पास। और वहां जाकर उसने यीशु मसीह की क्या की? क्या किया उन्होंने? यीशु मसीह की महिमा की, यीशु मसीह की आराधना की। अगर आज आप आए हैं यहां, अगर आप यीशु मसीह की महिमा नहीं करेंगे, यीशु मसीह की आराधना नहीं करेंगे, क्रिसमस आते जाते रहेगा, हर साल का नया सूत्र दिखाते रह जाइएगा, हर साल का बैलों को बारह बुलाते रह जाइएगा, हर साल का केक है ना कुल्हाड़ी से काटते रहिएगा, हर साल मुर्गा का मर्डर करते रहिएगा, हर साल है ना बड़ा से बड़ा, कुछ फर्क नहीं आने वाला। हालेलुया। लेकिन आज आप गड़रियों के समान है ना, एक नम्र बनकर, एक दीन बनकर, यीशु मसीह का आज्ञा मानकर और सचमुच में आकर यीशु मसीह की आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, तो वो आपके जीवन को क्या कर सकता है? बदल सकता है। हालेलुया। इन गड़रियों के लिए एक जोरदार ताली बजा दे। हमको और आपको भी सीखना क्रिसमस कैसे मनाएं, क्रिसमस कैसे मनाएं जैसे मरियम ने मनाया, अपना जीवन समर्पित कर। क्रिसमस यूसुफ ने कैसे मनाया? परमेश्वर के आज्ञा पालन करके मनाया। गड़रियों ने क्रिसमस कैसे मनाया? वो जिस अवस्था में थे, वो प्रभु के प्रति जिज्ञासित हुए, प्रभु के पास गए और प्रभु की जाकर के उसने महिमा की, प्रभु की उसने क्या की? आराधना की। केवल ऐसे ही हम और आप क्रिसमस मना सकते हैं। बाइबल में लोगों ने यीशु मसीह का जन्म उत्सव ऐसे ही मनाया जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। हम और आप जिस तरह से क्रिसमस मनाते हैं, उस तरह से यीशु मसीह का जन्म उत्सव बाइबल में किसी ने भी नहीं मनाया, किसी ने भी क्रिसमस ट्री नहीं सजाया, किसी ने भी केक नहीं काटा, किसी ने भी सूट बॉर्डर का नहीं बनकर यीशु मसीह के पास नहीं आया, किसी ने भी अरे इस तरह से डेकोरेशन नहीं किया, और हर कोई फोकस किया किसके ऊपर? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर। मरियम ने समर्पण करके जीवन क्रिसमस मनाया, यूसुफ ने आज्ञा पालन करके यीशु का जन्म की तैयारी की, स्वर्गदूतों ने क्या किया? यीशु मसीह की महिमा की। मोबाइल देख रही है, ठीक है, मैसेज खत्म हो जाएगा, फिर मेरे को वापस कर दीजिए। एक और व्यक्ति को देखिए कि वो कैसे यीशु मसीह का जन्म उत्सव और वो लोग खत्म हो गए ज्योति से ही लोग था मत्ती उसका दूसरा अध्याय। अब देखिए ये ज्योतिषी लोग जो थे वो तारा को देखा और तारा का अध्ययन किया, उनको मालूम चला कि अद्भुत महान राजा बालक पैदा हुआ है और वो तारा के पीछे पड़ गए, दूर देश से तारा के पीछे पीछे नदी नाल पर्वत पार करते हुए तारा के पीछे पीछे चलता चला गया है ना, और अपना अपना अनुमान लगाने लगा है ना। ज्योतिषी का अनुमान गलत भी हो गया एक बार, वो राजा के पास चला गया पूछने के लिए कि यहाँ कोई बालक तो नहीं पैदा हुआ राजभवन में,
उसको जाना था गौशाला, लेकिन कहाँ चला गया वो? अपना दिमाग लगाया और कहाँ चला गया? राजभवन में। वहां जाकर ढूंढने लगा कि तारा चमका है, कोई राजा पैदा हुआ है तो राजभवन में हुआ होगा, लेकिन वहां जाके क्या हुआ? धोखा खा गया होगा। लेकिन तारा फिर उसका अगुवा, और वो तारा उसी स्थान पे जाके रुक गया जहां यीशु मसीह का जन्म हुआ। फिर इन लोगों ने कैसे यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया, कैसे यीशु मसीह का जन्म उत्सव मनाया? तो आप देखेंगे, बाइबल पढ़ेंगे अगर मत्ती दूसरे अध्याय में, तो आप पाएंगे कि तीनों ज्योतिषी जो है यीशु मसीह के पास जब पहुंचा तो वो मुंह के बल गिर कर यीशु मसीह को दंडवत किया। हालेलुया। और अपना झोला निकाल करके एक ने सोना, एक ने लोहबान और एक ने गंधरस भेंट चढ़ाया। किसको? यीशु मसीह को चढ़ाया। हालेलुया। एक ने सोना चढ़ाया, एक ने लोहबान चढ़ाया और एक ने गंधरस चढ़ाया यीशु मसीह के चरणों में। और निकाल कर मुंह के बल गिर करके उसने यीशु मसीह का दर्शन किया, उसको दंडवत किया। ये तरीका है क्रिसमस मनाने का, यीशु मसीह के चरणों में गिर जाना। हालेलुया। यीशु मसीह को, हो सकता है कि हमारे पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, गंधरस नहीं है, लोहबान नहीं है, लेकिन हम अपना हृदय ही, जो सोना से भी बहुत मूल्य है, हमारा हृदय जो चांदी से भी बढ़कर है, हमारा हृदय जो गंधरस से भी मूल्यवान है, अगर ये हम यीशु मसीह को चढ़ा पाए, हालेलुया, तब सही अर्थ में हम और आप कहने पाएंगे कि यस, मैंने क्रिसमस मनाया, मैंने बड़ा दिन मनाया मैंने। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, लोग कैसे मना रहे बड़ा दिन? देखिए बाइबल में जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो लोग ऐसे मना रहे हैं बड़ा दिन, समझ रहे हैं ना? लोगों का एक्टिविटी देखिए, यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो लोग घर क्या रहे थे, और आज यीशु मसीह को सामने रख के और यीशु मसीह का बर्थडे बोल करके हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बस मुर्गा कटेगा, मुर्गा कटेगा, सब में बटेगा, फिर और हम सोच रहे हैं वाओ इस बार का क्रिसमस बड़ा मजा आ गया, न तो समर्पण हुआ, न तो यीशु मसीह का कोई आज्ञा पालन हुआ, न तो यीशु मसीह की मैंने महिमा की, न ज्योतिषी के समान हमने गिर कर दंडवत किया यीशु मसीह को, ना गौशाले के समान हम अपने हृदय को खोले, लेकिन क्रिसमस क्या होगा? मना लिए, आपस में बात करें, कैसा रहा क्रिसमस इस बार? बड़ा आनंद आया इस बार, कोई बोले अरे इस बार टीका लगेगा, मजा नहीं आया, ये कोरोना सब मिल गया, सब चीज कोरोना सब खा गया, कोरोना सब पीस के बाहर व्यवहार विचार सब खत्म कर दिया, अब तो कुछ होता ही नहीं है क्रिसमस में, और जो कुछ होता भी है ना वो बाइबल में नहीं हुआ। देखिए बाइबल में क्या हो रहा है क्रिसमस के दिन, बाइबल में क्या हो रहा है जब यीशु मसीह पैदा हुआ, बाइबल में जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, लोग किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से नहीं सीख पा रहे, हम लोग अपने तरीके से क्रिसमस को क्या कर रहे हैं? मना रहे हैं, हम लोग अपने तरीके से क्रिसमस का इंजॉय कर रहे हैं, है ना? पीने वाले को पीने का क्या चाहिए? बहाना चाहिए, तो क्रिसमस से बढ़िया बहाना क्या होगा? मौसम भी सुहाना, ठंडा ठंडा, पिएंगे देखो गर्मी फूकेगा, चखना भी मजा आ जाएगा खाने में, और डाइजेस्ट भी होगा, बहुत अच्छा मौसम रहता है। कैसे मना रहे हम लोग क्रिसमस? क्या क्रिसमस मनाने का यही तरीका है? क्या हम और आप बाइबल में जो देख रहे हैं यीशु मसीह पैदा हुआ तो लोग क्या क्या कर रहे थे, एक्टिविटी, क्या आपने देखा कि कोई उस तरह से जैसे हम मना रहे वैसे लोग मना रहे? ज्योतिषियों ने यीशु मसीह को दंडवत किया और क्या किया? सोना मोड़ लोहार का गदर्स का भेंट चढ़ा। चलिए एक और आदमी का चर्चा करेंगे, वो कैसे यीशु मसीह का जन्म के दिन रिएक्ट किया और यीशु मसीह का जन्म का उत्सव मनाया, जो हमको मिलता मत्ती उसका 2:3-13 है। वहां पे एक आदमी है, एक राजा है, हेरोदेस। क्या है नाम राजा का? जोर से बोले सब लोग, हेरोदेस राजा का नाम है। उसको पता नहीं था कि आज बड़ा दिन है, यानी यीशु मसीह पैदा हुआ, नहीं मालूम था उसको। ये जो ज्योतिषी को जो रॉन्ग नंबर लग गया था, ज्योतिषी लोग जो वहां गए ना, तो ज्योतिषी लोग ही बताया कि आज बड़ा दिन है, हम तारा देखेंगे, यीशु मसीह पैदा हुए हैं। अब ये जो बंदा है हेरोदेस, जब सुना कि आज यीशु मसीह पैदा हुआ है, कोई राजा पैदा हुआ है, कोई अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी व्यक्ति पैदा हुआ है, तो वो डर गया, वो
वो घबरा गया कि ये कौन पैदा ले लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरा राज्य मेरे हाथ से क्या कर ले, छीन ले, कहीं ऐसा ना हो कि बड़ा होकर के वो मेरे को राजमहल से बेदखल कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा राजपाट सिंहासन वो हथियार ले। ज्योतिषी लोग गणना करके बता रहे हैं कि कोई अद्भुत बालक पैदा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरा दुश्मन हो। और ये हेरोदेस क्रिसमस के दिन, बड़ा दिन के दिन, जिस दिन यीशु मसीह पैदा हुआ, डर गया, घबरा गया और षड्यंत्र रचने लगा। वो ज्योतिषी से पूछने लगा, और अध्ययन कीजिए, और अध्ययन कीजिए, और आप लोग जाइए पता लगाइए। वो अपने राज्य के भी ज्योतिषी लोगों को बुला दिया और सबको आदेश दिया, हे ज्योतिषी लोग पता लगाओ कि तारा क्यों चमक रहा है तुम्हारे सामने, इसके पीछे क्या रहस्य है, इसके पीछे क्या राज है। और उसके राज्य के ज्योतिषी ने भी यही बताया, ये महाराज कोई विचित्र बालक पैदा हुआ है जिसके कारण से ये तारा चमक रहा है। अब राजा का हाथ पैर क्या हो गया, ढीला हो गया, अब तो सत्ता चला जाएगा, पता नहीं कौन सा बालक पैदा हो गया, वो कैसे मेरे साथ डील करेगा, बड़ा होके कहीं मेरे हाथ से सत्ता ना निकल जाए। वो डर गया, वो भय खा गया और षड्यंत्र रचा उसने। उसने बोला, अभी तो सारे जो आज के डेट में बच्चे पैदा हुए हैं या जिस बच्चे की बात हो रही है वो तो अभी छोटा ही होगा ना, अभी तो माँ के गोद में ही होगा ना, तो क्यों ना मैं 2.5 साल से नीचे के सारे बच्चों का क्या करवा दूं, मर्डर करवा दूं। और उसने क्या किया, सेनापति को बुलाया, आदेश दिया कि हमारे राज्य में जितने छोटे छोटे बच्चे हैं 2.5 साल से लेके इतना अंदर तक का, सबको क्या कर दो, मार डालो। और वो खुश हो रहा था कि मेरा दुश्मन ये जो बालक पैदा हुआ है वो भी उसी में क्या हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन स्वर्गदूत ने मरियम और यीशु को क्या कर दिया, सतर्क कर दिया, हालेलुया। और यीशु मसीह को कोई छू नहीं पाया, हालेलुया। और इस तरह से आप देखेंगे कि हेरोदेस जो है क्रिसमस के दिन घबरा गया, यीशु मसीह के जन्म के दिन षड्यंत्र रचने के उतारू हो गया, यीशु मसीह को मिटाने का कोशिश करने लगा, यीशु मसीह के जन्म के दिन वो धोखा खा गया। लेकिन अंत में हेरोदेस की मौत हो जाती है, हालेलुया, हेरोदेस की मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से आप हेरोदेस के बारे में आप जान सकते हैं बातों से, जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो इसका क्या रिएक्शन था। आज संसार में भी हेरोदेस की कोई कमी नहीं है, हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह के जन्म की बात को सुनना नहीं चाहते हैं, यीशु मसीह के जन्म की बातों को पचा नहीं पाते हैं, यीशु मसीह के जन्म की बातें प्रसारित हो जाए इससे वो भय खाते हैं कि कहीं मेरा धर्म जो है वो मिट ना जाए, कहीं मेरा राज्य खत्म ना हो जाए। अगर लोग यीशु मसीह को जान लेगा कि वो अपना जीवन दे देगा तो मेरे धर्म का क्या होगा, मेरा धर्म तो नष्ट होता चला जा रहा है, मेरे धर्म के लोगों की जनसंख्या घटती चली जा रही है, लोग दिन प्रतिदिन ईसाई बनते चले जा रहे हैं, ईसाइयों की संख्या कहीं ऐसा ना हो कि भारत में इतना बढ़ जाए कि ईसाई लोग भारत में राज करने लगे और फिर क्या होगा हमारे राज्य का, ऐसा डर जा रहे हैं। भारत में ईसाई कितना प्रतिशत है, मात्र 2 से 2.5%, अब पूरे 2 से 2.5% ईसाई से भी सब लोग क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं, सत्ता में ले लो, भारत में अंग्रेज को बुला के आक्रमण कर दे फिर से, और फिर से भारत को अंग्रेज का गुलाम करके बना देगा। 90% जिनकी पॉपुलेशन है वो डर रहा है किससे, 2% की पॉपुलेशन हेरोदेस का हाथ है ना। यीशु मसीह को मिटाने की कोशिश की जा रही है, यीशु मसीह के शिक्षा और उपदेश को मिटाने की कोशिश की जा रही है, यीशु मसीह के शिक्षा और उपदेश से लोग डर रहे हैं, हालेलुया, लोग परेशान है। आज के दिन बहुत से दलबल लोगों ने ये फरमान जारी किया कि खबरदार कोई यीशु मसीह नहीं है, कोई यीशु मसीह का प्रचार नहीं होगा, कोई यीशु मसीह का केक नहीं बांटा जाएगा, कहीं पर भी कोई सभाएं चलने नहीं देंगे। कर्नाटक में एंटी कन्वर्जन बिल लागू हो गया, समझ रहे ना, ईसाई लोगों को आगे बढ़ने नहीं देंगे, ईसा मसीह का प्रचार प्रसार हो नहीं सकता है, हम ईसा मसीह को बर्बाद कर देंगे, मिटा देंगे, बाइबल जला देंगे, किताब फाड़ के फेंक देंगे, ईसाई लोगों को मार डालेंगे। हेरोदेस का, हालेलुया, हेरोदेस ने भी यही कोशिश किया था, बड़ा दिन के दिन
हेरोदेस ने भी यही कोशिश किया था जब यीशु मसीह पैदा हुआ था, उसने यीशु मसीह को मिटाने का अपना पूरा शक्ति के साथ क्या किया, प्रयास किया था। हालेलुया, उसने पूरा बल लगा दिया था कि यीशु मसीह को मैं मिटा दूंगा, यीशु मसीह को मैं बर्बाद कर दूंगा, यीशु मसीह को मैं मौत के घाट उतारूंगा, अभी तो वो बच्चा ही होगा, अभी तो वो गोद में ही होगा, मैं उस कली को फूल बनने से पहले क्या करूंगा, मसल दूंगा, यीशु मसीह को मैं बर्बाद कर दूंगा। लेकिन हुआ नहीं, हो गया। हालेलुया। और हेरोदेस क्या हो गया, एक समय आया जब उसके मृत्यु हो गया और यीशु मसीह जीता। हालेलुया। आज बहुत से लोगों ने ना ये घोषणा किया था कि 2021 तक भारत से ईसाइयों को मिटा दूंगा, बहुत से लोगों ने ये घोषणा किया था कि ईसाइयों को मैं 2024 तक भारत से क्या कर दूंगा, मिटा दूंगा। ये तो आसान काम नहीं है। हालेलुया, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर की ओर से है वो कोई इंसान मिटा नहीं सकता है। एक समय आएगा इंसान को क्या हो जाता है, मिट जाता है। एक व्यक्ति है जिसका नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, उसका पेपर में आया था, उसने मीडिया को बोला था 2021 तक में हम भारत से ना ईसाइयों को मार के भगा देंगे और एक भी ईसाई भारत में नहीं रहेगा। लेकिन उसका 2018 में ही मौत हो गया, उनका 2018 में ही क्या हो गया, मौत हो गया। लेकिन ईसाइयत अभी भी है और आगे भी प्रभु की इच्छा है वो आगे भी क्या होगा, रहेगा। हालेलुया। अब हेरोदेस के लिए बड़ा मुश्किल है, क्या हम में से भी कई लोग हेरोदेस की तरह है, क्रिसमस मना रहे हैं डरकर घबरा कर यीशु मसीह का विरोध करके? आज देखना मेरे भाई बहन के हम और आप क्रिसमस को कैसे मनाते हैं, और अंत में हम आपको एक और टीम के बारे में बताएंगे कि वो कैसे यीशु मसीह का जन्मोत्सव मनाया है, जो उनको मिलता है लूका उसका 2:13-14 पद। अब देखिए स्वर्गदूत लोग एक दल बनाकर इस पृथ्वी पर आए गलीलियों के पास और सारे लोगों को हिम्मत दिया कि डरो मत क्योंकि तुम्हारे लिए आनंद का सुसमाचार है, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता जन्मा है, वही मसीह प्रभु है, वो तुम्हें सारे पापों से छुटकारा देगा, आजादी देगा और तुम्हारे जीवन को क्या करेगा, अनंत जीवन के लिए रखेगा। हालेलुया। यानी स्वर्गदूतों ने जिस दिन यीशु मसीह पैदा हुआ उस दिन वो सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, लोगों को ढाढ़स दे रहे थे, लोगों को हिम्मत दे रहे थे, लोगों को गुड न्यूज दे रहे थे कि तुम्हारे लिए ये समाचार है, तुम्हारे लिए ये समाचार है, तुम्हारे लिए आनंद का सुसमाचार है, तुम्हारे लिए आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता क्या हुआ है, जन्मा है। हालेलुया। और सारे स्वर्गदूत मिलकर के चारों तरफ क्या कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, गलीलियों के पास जाकर और लोगों के पास जाकर, और पूरी की पूरी स्वर्गदूत का सेना आकर के लिखा है वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। हालेलुया। अब ये परमेश्वर की स्तुति करना यानी कि यीशु मसीह के जन्म का गीत गाना है ना, आकाश में परमेश्वर की घोषणा उसकी महिमा, यही से निकला है कैरल सिंगिंग का कॉन्सेप्ट, समझ रहे हैं ना? हम लोग कैरल सिंगिंग करते हैं, घर घर में दल बना कर जाते हैं और यीशु मसीह का संदेश बांटते हैं और क्रिसमस का गीत गा के लोगों को सुसमाचार देते हैं। दरअसल ये यही से निकला है, कैरल सिंगिंग क्रिसमस से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूतों ने क्या किया, कैरल सिंगिंग किया यानी कि यीशु मसीह की महिमा की, वो यीशु मसीह की महिमा के गीत को गाया और यीशु मसीह पैदा हुआ है उसका संदेश सारे मानव जाति को बांटा। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, क्रिसमस आपके जीवन में तभी सफल होगा जब आप स्वर्गदूत के तहत समान, स्वर्गदूत ने आपको रास्ता दिखा दिया कि क्रिसमस कैसे मनाना है, स्वर्गदूत ने आपको वो काम करके बता दिया कि क्रिसमस के दिन कौन सा काम किया जाना चाहिए, क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट करें, मरियम और यूसुफ ने आपको बता दिया कि क्रिसमस कैसे मनाना है, गलीलियों ने आपको बता दिया कि क्रिसमस कैसे मनाना है, हेरोदेस ने भी बताया कि क्रिसमस कैसे मनाना है, चॉइस आपके पास है कि आप हेरोदेस का फॉलो करेंगे या मरियम यूसुफ का तरीका या फिर स्वर्गदूत का तरीका या फिर आप ज्योतिषी का तरीका से यीशु मसीह का जन्मोत्सव मनाएंगे, आपका तरीका क्या होगा है। स्वर्गदूत ने भी एक तरीका बता दिया कि इस दिन आपको दूसरे को सुसमाचार देना है। हालेलुया। आज मानव जाति जो है पाप में जी रहा है, आज लोगों के पास उम्मीद आ
हम स्वर्गदूत बनकर उनके जीवन में एक दूत बनकर जाए, जो लोग पाप में है उनके लिए दूत बनकर जाए, जो लोग गुनाह में है उनके लिए दूत बनकर जाए, जो लोग अंधकार में है उनके लिए हम दूत बनकर जाए, जो लोग निराशा में है उनके लिए हम दूत बनकर जाए और जाकर उनको हिम्मत दे और उनसे कहे कि मैं तुम्हारे लिए आनंद का सुसमाचार लेकर आया हूँ। हालेलुया, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता जन्मा है, तुम्हारे लिए यीशु मसीह दुनिया में आया है, वो तुम्हारे लिए स्वर्ग को छोड़ के आया है, वो तुम्हारी निराशा को आशा में बदलेगा, वो तुम्हारे शोक को आनंद में बदलेगा, वो तुम्हारे जीवन के नकारात्मक परिस्थिति से निकाल के तुमको क्या करेगा, आनंद जीवन देगा। ये गुड न्यूज तुम्हारे लिए है, ये सुसमाचार तुम्हारे लिए है, आनंद का सुसमाचार मैं तुम्हें क्या करता हूँ, सुनाता हूँ। आज ऐसा हमको और आपको एक दूसरे के बीच ले जाकर प्रसारित करना बहुत ही जरूरी है। हम आपस में ही सूट फूट लगा के क्रिसमस मना के क्या करेंगे, बाहर लोग निराशा में जी रहे हैं, स्वर्गदूतों ने बाहर के लोगों को आनंद का सुसमाचार जाके सुनाया जब यीशु मसीह पैदा हुआ, और हम और आप एक गिरजा घर में कैद होके रह जाना चाहते हैं, हम और आप अपने तरीके से क्रिसमस मनाना चाहते हैं, हम और आप अपने में आनंद ले लेना चाहते हैं, हम और आप अपने में मजा ले लेना चाहते हैं, हम और आप यीशु मसीह को सीमित करके रखना चाहते हैं, और हम में से कई लोग हेरोदेस के आत्मा से भरे हुए हैं। स्वर्गदूत ने तरीका बताया कि हमको क्रिसमस कैसे मनाना है, पर हमने अपने तरीके से क्रिसमस मनाने शुरू कर दिए, हमने क्रिसमस ट्री सजाने शुरू कर दिए, हमने सेंटा क्लॉज को बुलाना शुरू कर दिया, हमने अगरबत्ती और धूप बत्ती जलाना शुरू कर दिया, हमने अपने तरीके से केक काटने शुरू कर दिए। ये सब कुछ संसार का बनाया गया विधि व्यवस्था के बारे में, ये सब कुछ बाजार का उत्पत्ति है, ये सब कुछ बाजारीकरण का चीज है, ये सब चीज जो है ये संसार में ही रह जानी है, लेकिन आप बाइबल में देखिए कि लोगों ने यीशु मसीह का जन्मदिन कैसे मनाया। हालेलुया, और हमको और आपको उसी तरीके से वापस यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने की बात। हालेलुया, आपका तरीका गलत है, हमारा तरीका गलत है, या हो सकता है सही भी हो, हमारा ये मन के उल्लास को प्रकट करने के लिए डेकोरेशन सजावट मन के आनंद को प्रकट करने के लिए हो सकता है, लेकिन असली वाला जो क्रिसमस है ये तभी सार्थक होगा, ये तभी अर्थपूर्ण होगा, ये तभी महत्वपूर्ण होगा जब आप मरियम और यूसुफ के समान आज के दिन अपना जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित करें। तो प्रभु आज से मेरा जीवन आपका, आपकी जैसी इच्छा आपकी जैसी मर्जी मेरे जीवन में हो, मैं आपका चलता फिरता आपके योजना को पूरा करने वाला बंदा, आप जो भी योजना मेरे जीवन के लिए रखे वो पूरा कीजिए, आप मेरे जीवन का इस्तेमाल कीजिए, मैं आपके लिए तैयार हूँ, मैं आपके लिए यहाँ पर हूँ, मैं आपकी महिमा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए अपने दिल में आपको जगह लेने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं समर्पित हूँ आपके प्रति। अगर आप मरियम यूसुफ की तरह इस तरह से आप मनाते हैं तो ये क्रिसमस के अर्थ को पूरा करेगा। मेरे भाई बहन, आप स्वर्गदूत के समान लोगों को सुसमाचार का प्रचार आज के दिन करें, लोगों को बताएं कि यीशु मसीह आज पैदा हुआ और ये आनंद का सुसमाचार है। आज हमको और आपको ज्योतिषी के समान यीशु मसीह को दंडवत करने की जरूरत है, ये ज्योतिषियों के समान यीशु मसीह के पास आकर अपने भेंटों को चढ़ाने की जरूरत है। आज हमको और आपको गलियों के समान यीशु मसीह के पास आकर उसकी आराधना उसकी महिमा और स्तुति करने का आज दिन है। आज जश्न और पार्टी मनाने का एक अलग बात है, लेकिन आज दिन है समर्पण का, आज दिन है यीशु मसीह की आराधना करने का, आज है यीशु मसीह को भेंट चढ़ाने का, आज का दिन है कि अपने दिल को गौशाला बनाकर यीशु मसीह को अपने दिल में जगह देने का। हालेलुया, आज वो दिन है भाई और बहनों जो आप मानव जाति को आनंद का सुसमाचार दें, लोगों को बताएं कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया, और अगर हम और आप इस तरह से क्रिसमस मनाते हैं तब तो ठीक है, वरना क्या है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। हर साल क्रिसमस आते रहेंगे, केक कटता रहेगा, बैलून सस्ता रहेगा, नए नए कपड़े पहनते रहेंगे, डेकोरेशन होता रहेगा और मुर्गा की आत्महत्या मंडल होता रहेगा, जश्न मनाते रहेंगे, खा पी के रात में सो जाएंगे, अगला दिन उठेंगे क्रिसमस फिनिश। लेकिन असली क्रिसमस कैसे मनाया? एक और व्यक्ति का झूठ कहता हूं बताते हैं, जो
लुका 2:30-32 में मिलता है। एक आदमी है, उसका नाम सिमोन है, हालेलुया, परमेश्वर ने उसको वरदान दिया कि तू कभी नहीं मरेगा, और तू तभी मरेगा जब तू यीशु मसीह का दर्शन कर लेगा, हालेलुया। ये एक विशेष आशीष मिला हुआ था किसको? सिमोन को, कि सिमोन ने अपनी आंखों से यीशु मसीह को जब तक नहीं देखेगा उसकी मृत्यु नहीं होगी। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यीशु मसीह को जब लाया गया सिमोन के पास, तो यीशु मसीह को देखकर सिमोन के अंदर एक रियलाइजेशन हुआ, एक अंगीकार हुआ, एक बात जो उसने महसूस किया यीशु मसीह को देख के, और उसने ये महसूस किया कि आज मेरी आंख ने उद्धार को क्या कर लिया है, देख लिया है। हालेलुया। आज आप यीशु मसीह के पास आए हैं, लेकिन यीशु मसीह में आपको उद्धार अगर नहीं दिख रहा है, यीशु मसीह में अगर आनंद नहीं दिख रहा है, यीशु मसीह में अगर शांति आपको नहीं दिख रहा है, यीशु मसीह में पापों से मुक्ति अगर आपको नहीं दिख रहा है, तो आपका यहां आना सब व्यर्थ और बेकार है। सिमोन ने जब यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह को जब वो गोद में लिया, वो देखते ही महसूस कर लिया कि मैं तो उद्धार को देख रहा हूँ, मैं तो नजात को देख रहा हूँ, मैं तो इस संसार को प्रकाशित करने वाला ज्योति को देख रहा हूँ, यही संसार को मुक्ति देगा, यही संसार को उद्धार देगा। और आज हम और आप यीशु मसीह के पास क्या सोच के आए हैं कि वो हमको नौकरी दे देगा, वो हमको क्या करेगा, वो हमको दौलत दे देगा, वो हमको आशीर्वाद दे देगा, वो हमको एग्जाम में पास करा देगा, वो ये कर देगा, वो कर देगा, ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। क्या आप यीशु मसीह में उद्धार देखते हैं सिमोन की तरह? क्या आप यीशु मसीह में मुक्ति देखते हैं सिमोन की तरह? क्या आप यीशु मसीह में छुटकारा देखते हैं सिमोन की तरह? क्या आप यीशु मसीह को ज्योति के रूप में और उद्धार के रूप में देखते हैं, या आप यीशु मसीह को भी अन्य देवी देवता भगवान की तरह, एक गुरु की तरह देखते हैं? यीशु मसीह का असलियत, यीशु मसीह का वास्तविक रूप आप निहार पाते हैं कि नहीं पाते हैं क्रिसमस के दिन? यीशु मसीह का वास्तविक चेहरा आप महसूस कर पाते हैं कि नहीं, कि वो कौन है जो पैदा हुआ है, वो कौन है जो स्वर्ग छोड़ के दुनिया आया है, उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है, उसका वास्तविक योजना क्या है, वो क्यों दुनिया में आया, वो मेरे लिए क्या मायने रखता है? क्या आप यीशु मसीह को देखकर ऐसा महसूस करते हैं? क्या यीशु मसीह को देखकर आप इस तरह से उनको पहचानते हैं, उनको मुक्तिदाता उद्धारकर्ता बोल के पहचानते हैं, या यीशु मसीह को ही एक भगवान, एक महान इंसान, एक गुरु ऐसा बोल के आप आते हैं? आपने यीशु मसीह के बारे में क्या सोचा? आज क्रिसमस के दिन जबकि हम और आप यीशु मसीह का जन्म उत्सव मना रहे हैं, आज हमको और आपको सोचना है मेरे भाई। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाए। हालेलुया। आइए हर कोई अपने स्थान पर खड़े